गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा। ग्राहकों को लिमिटेड पीरियड के लिए मिलेगा फायदा। एसबीआई ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस को किया कम। रियायती दर के साथ होम लोन पर 50% से 100% तक बैंक ग्राहकों को दे रहा है छूट। रेगुलर होम लोन, फ्लैक्सी पे, एनआरआई और ऑन होम पर मिल रहा है ये रियायत। ग्राहकों को 31 अगस्त 2023 तक एसबीआई के होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस में मिलेगी छूट। केंद्र सरकार ने नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर देश के सभी बैंकों को दिया निर्देश। कार्ड में पहले से होना चाहिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी फीचर। कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन की भी देनी होगी सुविधा। ये सुविधा होने पर अलग अलग लेन देन के लिए अलग अलग कार्ड रखने की नहीं होगी जरूरत। मौजूदा समय में इस तरह के ज्यादा फीचर्स रुपे कार्ड में ही है उपलब्ध। देश में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन की लागत हो सकती है कम। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय वित्त मंत्रालय से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने की कर सकता है सिफारिश। भारत में वियतनाम, इंडोनेशिया तथा मैक्सिको के मुकाबले ज्यादा है इंपोर्ट ड्यूटी। भारत से मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हो रहा है प्रभावित। इन उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने पर देश में मोबाइल फोन उत्पादन पड़ेगा सस्ता। घरेलू स्तर पर मोबाइल की कीमतों में भी आ सकती है कमी। प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को पैन को दोबारा चालू कराने के लिए संबंधित अधिकारी के सामने जमा करना होगा आवास का प्रमाण पत्र। प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों ने पैन के निष्क्रिय होने को लेकर जताई थी चिंता। आयकर विभाग ने इसको लेकर जारी की है सफाई। इनऑपरेटिव पैन का मतलब पैन का इनएक्टिव होना या निष्क्रिय होना नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड 19 से जुड़े नियमों में दी ढील। देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आरटीपीसीआर आधारित जांच की अनिवार्यता को हटाया। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और दुनिया भर में वैक्सीनेशन में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखकर दिशा निर्देशों में दी गई ढील। 20 जुलाई की आधी रात से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। मंत्रालय ने कहा यात्रियों को कोविड 19 को लेकर एयरलाइंस की ओर से जारी निर्देशों का करना होगा पालन। वारंटी वाले किसी सामान के पार्ट का फ्री रिप्लेसमेंट करवाने पर नहीं लगेगा जीएसटी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने आदेश जारी कर इसको लेकर दी सफाई। रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को पहले ही उत्पाद की वास्तविक बिक्री में किया गया है शामिल। पार्ट्स के फ्री रिप्लेसमेंट पर इसलिए नहीं लगेगा टैक्स। वारंटी पीरियड के दौरान मैन्युफैक्चरर अगर ग्राहक से रिप्लेसमेंट या सर्विस के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है तभी उस पर बनेगी टैक्स की देनदारी। आम आदमी के किचन का बजट फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। अनाज की कीमतों में महंगाई के साथ ही मसालों की कीमतों में भी लगी हुई है आग। प्रमुख मसाले जीरा और हल्दी की कीमतों में देखने को मिल रहा है जोरदार इजाफा। जीरे का भाव एक साल में हो चुका है दोगुना। 13 साल की ऊंचाई के करीब पहुंची हल्दी। वायदा बाजार में 60,000 रुपए पर पहुंचा जीरे का भाव। वहीं 13,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंची हल्दी। देश भर में बुआई पिछड़ने की वजह से मक्का की कीमतों में आया उछाल। कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है लागत में बढ़ोतरी का सामना। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बरसात कम होने की वजह से पिछड़ी मक्का की बुआई। बीते एक महीने में महाराष्ट्र में 23% से ज्यादा बढ़ा मक्का का भाव। कर्नाटक में मक्के के भाव में करीब 10% की बढ़ोतरी आई। आने वाले दिनों में भी मक्के की कीमतों में जारी रह सकती है बढ़ोतरी। यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से वंदे साधारण नाम से शुरू की जा सकती है नई रेलगाड़ियां। वंदे भारत की तर्ज पर शुरू होंगी ये रेलगाड़ियां। नहीं मिलेगी वंदे भारत जैसी सुविधाएं। वंदे भारत से कम हो सकता है वंदे साधारण का किराया। पूरी तरह नॉन एसी होंगी ये ट्रेन। यात्रियों के लिए होंगे सिर्फ स्लीपर और जनरल क्लास के कोच। नॉन एसी ट्रेन होने की वजह से कम होगी इन्हें चलाने की लागत। अगस्त की मौद्रिक समीक्षा बैठक में आरबीआई ब्याज दरों में नहीं करेगा बदलाव। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने दिया बयान। ब्याज दरों पर यथास्थिति कायम रखेगा आरबीआई। 8 से 10 अगस्त को होगी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की अगली बैठक। 8 जून की समीक्षा बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में लगातार दूसरी बार नहीं किया था कोई बदलाव। वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा फाइल किए जा चुके हैं। आयकर रिटर्न करीब 91% रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जा चुके हैं सत्यापित। 18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ फाइल किए गए आईटीआर। 2.81 करोड़ रिटर्न का किया जा चुका है ई सत्यापन। 31 जुलाई है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो या पर्सनल फाइनेंस और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी नाइन की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। मनी नाइन की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको लॉग इन करना है www.moneynine.com पर। यहां पर आप 7 भाषाओं में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके साथ ही आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।